हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टू डिटरमिनेशन ऑफ द मार्शल स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट इन बिटवीन मोल्ड कास्टिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो मोल्ड होते हैं इसको हमने डी मोल्ड करने हैं। जैसे ये डी मोल्ड हुए होते हैं, वो जो ब्रेक जो पेटेस्टल होते हैं उसे हम डी मोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री वाटर को हमको गर्म करना है, वाटर बाथ करना है। और उसको 60 डिग्री जब वाटर बाथ गर्म हो जाता है तो उसको हम जो मोल्ड होते हैं हमारे पास, उन मोल्ड को हम रख देते हैं वाटर बाथ के अंदर सिर्फ 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के लिए वाटर बाथ के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, क्या हमको रेडी करना है, सबसे पहले हमको जैसे कि रिंग होती है हमारे पास, कैलिब्रेशन जो रिंग होती है ये 50 किलो न्यूटन की होती है, उसको हमको सबसे पहले उसको सेट करना है, जीरो पे रखना है और मशीन को प्रॉपरली स्टार्टिंग अप डाउन करके देख लेना है ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना करे। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमारे पास जो ब्रेकिंग हेड होता है इसके अंदर क्या है, 60 डिग्री होने के बाद हम क्या कहते हैं, मोल्ड को ऐसे रख लेते हैं लाके। रखने के बाद मोल्ड को क्या है, मशीन के हम टॉप साइड में लगा देते हैं और जिसके रिंग और पेडेस्टल बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर उसको हम सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के बाद हम मशीन की रीडिंग को फिलअप करते हैं कि कितनी रीडिंग को ऑब्जॉर्व कर लेता है, कितना हम लोड को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो आप वीडियो में देख ही रहेंगे होंगे कि हमारे पास जो कैलिब्रेशन जो रिंग लगी है वो जब एक राउंड मारेगी वो 100 किलो न्यूटन मतलब 100 kg पर आएगा। तो जैसे कि ये रीडिंग आपके सामने चल रही है, ये दो रीडिंग हो चुकी है इसकी, दो मतलब दो रोटेशन, दो चक्कर मारे इसने, तो इसलिए 200 पॉइंट, अगर 20 पे जाए, 5 पे जाए, 10 पे जाए तो एक स्पेसिंग इसका 5 का है, तो 5 पे जाए 5 10 मतलब 210 रीडिंग आ जाती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम दूसरा मोल्ड तोड़ेंगे, उसी प्रकार से हम तीसरा मोल्ड को ब्रेक करेंगे, उसी प्रकार हम चौथे मोल्ड को ब्रेक करेंगे। जितने भी मोल्ड हम कास्ट किए हैं सबको आधा घंटे के लिए हम उसको वाटर में रख देते हैं, हॉट वाटर मतलब 60 डिग्री वाटर के अंदर, और उसको आधा घंटे तक वाटर बाथ में ही डले रख के छोड़ देना है मार्शल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। जो IS कोड हम प्रिपेयर कर लेते हैं उसके हिसाब से 30 मिनट उसको हम वाटर के अंदर रखना है। उस रखने के बाद हम सीधा ही मार्शल स्टेबिलिटी जो मशीन होती है, ऑपरेटर होता है हमारे पास, उस पर उस मोल्ड को ब्रेक करते हैं, मतलब ताकि उसको अंदर लोड देते हैं उसके ऊपर कि जो कास्ट के मोल्ड होते हैं, जैसे इसके अंदर कितना एग्रीगेट परसेंटेज होती है बिटवीन की, एग्रीगेट 20, 10, 40 जो होता है वो कितना लोड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये देखा कि हमारे पास जो रीडिंग है 230, 240, 225, 220 ये सब रीडिंग आ चुकी है हमारी, और जो कैलिब्रेशन फैक्टर होता है उससे हम ये डेंसिटी निकाल लेते हैं, मार्शल स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी। जो मार्शल स्टेबिलिटी आई है हमारे पास 13.60, फ्लो जो आया हमारे पास 3.57, और इसका जो एयरवर्ड्स था इसके अंदर वो 3.53। तो ऐसे हम इसकी मतलब रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं और हमको पास होता है हमारा नहीं होता वो भी हमको पता लग जाता है।